एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के थर्ड वीक के टाइम टेबल के बारे में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो या फिर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप वीक 1 और वीक 2 का टाइम टेबल जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी दी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स बताई हैं जो कंपलसरी है फॉलो करना अगर आपको क्लास 11th में 90 अबव मार्क्स लेके आने हैं। उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है, पूरा बताया है कि कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एज वेल एज अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करा जाए। तो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपका वीक 3 का टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं वीक 3 के टाइम टेबल के बारे में। तो थर्ड वीक में आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 करना है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि वेक्टर ऑपरेशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर वेक्टर ऑपरेशन की बात करूँ तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से सीखना आगे चलकर पूरी फिजिक्स में आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सब जगह ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है यूज होने ही वाला है। इसी तरह से जो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स है वो भी हर न्यूमेरिकल में यूज होता ही है। तो ये दोनों काफी अच्छी तरह से सीखना। और फिर बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से जा तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल या फिर सीधा ही डेरिवेशन आ जाती है 4 to 6 मार्क्स की, और काफी ज्यादा स्कोरिंग है अगर आप इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप इसकी डेरिवेशन कर कर आते हो। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमें फिजिक्स समझ नहीं आ रही, फिजिक्स टफ लग रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, डेरिवेशंस निकल नहीं रही, या फिर नोट्स कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो देखो फिजिक्स ना इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ो, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। आपको बस ज़रूरत है एक सही और एक बेस्ट टीचर की जो आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से आपको प्रॉपर नोट्स बना के करवा सके। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनमें से एक टीचर हैं अमित सर, इनका चैनल है फिजिक्स बाय अमित पटेल सर। तो इनके चैनल पे आपको प्रॉपर हर कंसेप्ट, हर टॉपिक क्लास 11th का नोट्स के साथ आपको करवाया जाता है, और जो वीडियो की लेंथ भी है वो भी हार्डली 20 to 30 मिनट्स है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, एज वेल एज आपका जो हर कंसेप्ट है टू द पॉइंट जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही करवाया जाता है। और साथ ही साथ में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, दैट इज हैंड रिटन नोट्स। सर ने हर वीडियो में जो नोट्स बनाए हैं ना वो प्रॉपर कॉपी पे लिख कर आपको हर सब्जेक्ट समझाया है, हर टॉपिक समझाया है, और जो आपकी डेरिवेशंस हैं, जैसे कि हमें पता है फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है। डेरिवेशन में ना आपको सीधा फुल नंबर मिलते हैं अगर आप हर स्टेप प्रॉपर वे से करो, अगर आप उसकी प्रॉपर कंसिडरेशन लिख के आओ, देन उसके स्टेप बाय स्टेप उसका डायग्राम बना के आओ, हर चीज गिवन लिख के बताओ प्रॉपर। अगर आप स्टेप बाय चलोगे ना तो आपको बहुत आराम से आपको 6 to 7 मार्क्स डेरिवेशन में मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे इनका चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इनका चैनल ज़रूर चेक करना, क्या पता आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये तो था फिजिक्स के लिए। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी जो NCERT की, जो आपका CBSE की साइट पर जाके फिजिक्स का जो रिवाइव्ड सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना, सो डेट आपको आइडिया मिल जाए कि आपके सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, और उनमें से कुछ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको मेंशन करे हैं। करना आपको सारा ही सिलेबस है, लेकिन वो टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने मेंशन करा है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है, और काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है।
तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन इनथैलेपी फ्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है, या आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इस एटम का बढ़ता क्यों है या इसका कम क्यों होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपैरिजन बेस पे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो पूरा चैप्टर है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है और काफी ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप इसको समझ के करोगे तो इसमें से फुल मार्क्स आते हैं। तो ये चैप्टर के लिए मैंने 5 डेज रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इजी चैप्टर है तो जल्दी हो जाएगा, और जब आप ये चैप्टर कर लोगे उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4th उसको शुरू कर देना है। उस चैप्टर के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। उसमें मैं आपको प्रॉपर इसका बताऊंगी और साथ में इसके टिप्स भी लिख दूंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इसके इतने टॉपिक्स कर लेना। तो अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपको चैप्टर नंबर 3rd करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको जितने भी आपको वो आपको बता रखा है, आपके सिलेबस में लिख रखे हैं जो जो फंक्शंस हैं, आपको वो सारे फंक्शंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका आगे पूरी नॉन मेडिकल का, पूरे मैथ्स का, फिजिक्स का एक बेस बनने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करना, कुछ भी स्किप मत करना इस चैप्टर में से। और इसके जो साइंस है ट्रिग्नोमेट्री के, जो फंक्शंस हैं, ग्राफ है, आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको काफी अच्छी तरह से करना। हर चीज को पेपर पे लिख लेना, फॉर्मूलाज को एक अलग पेपर शीट पे लिखना, और उसके दिन में 2 बार तो प्रैक्टिस करना ही करना, तभी आपको याद होंगे। और सारा ट्रिग्नोमेट्री में जो सारा खेल है ना फॉर्मूलाज का है, अगर फॉर्मूले आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चुटकियों में हो जाएगी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले अच्छी तरह से करना। बाकी इसके मैंने कुछ टिप्स दी हैं, टिप्स टू स्कोर 90 अबव मार्क्स, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो तो आपको कर कर ही जाने हैं अगर आप 90 अबव चाहते हो। ठीक है, तो उसमें बता दिया कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में क्या रिलेशन है, टेबल आ जाएगा, आइडेंटिटीज आ जाएंगी, वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये था हमारा 3rd वीक का टाइम टेबल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी तरफ से एक लाइक और एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, मेरे काम को अप्रिशिएट करता है और मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।